अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है और बहुत ही इजीली भी बन जाता है। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, आइए आपको बताते हैं। तो इसके मज़ेदार से सूजी के हलवे के लिए हमें चाहिए होगा, तो सूजी के हलवे के लिए हमने यहाँ पर 1.5 पाव सूजी ले लिए, थोड़े से ये हमने किशमिश ले लिए हैं, 1.5 पाव ही मैंने घी ले लिया है, यहाँ पे बादाम पिसते हैं, तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के बादाम पिसते हैं, और कुछ मैंने चारों मगज़ लिए हैं 1 टेबलस्पून भर के, इलायची पाउडर 1 टीस्पून भर के पीसने के बाद। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा शीरा, मैंने बनाया है, 2 कप चीनी ली है और उसमें 2 कप पानी डाल के उसका शीरा बना लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी। घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, जैसे ही थोड़ा सा ये गर्म होगा तो इसके अंदर फिर हम डालेंगे सूजी और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। सूजी ले लिए मैंने, अब इसको हमने हल्की आंच पे भूनना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं मुझे इसको सूजी को भूनते हुए, और इसको मैं हल्की आंच पे भून रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने बेसन ले लिया है, ये देखिए, और इलायची जो आपको बताई है ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक भूनती जाऊँगी हल्की आंच पे। ये आपका बहुत ही मज़े का हलवा तैयार होता है सूजी का, बहुत ज़बरदस्त। इस तरह से आपने इसको चम्मच हिलाते हुए भूनते रहना है तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट तकरीबन इसको भूनते हुए हो गए हैं, बेसन को और इलायची पाउडर को डाले हुए इसके साथ। अब बहुत ही एहतियात के साथ शीरा जो हमने 2 कप चीनी और 2 कप पानी डाल के बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे बहुत एहतियात के साथ। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शीरा हमने ऐड कर दिया है अंदर, तो चम्मच हिलाएँगे और अब इसको हल्की आंच पे ही पकाते जाएंगे जब तक कि थोड़ा सा ये गाढ़ा ना हो जाए। आंच आपने मीडियम टू लो ही रखनी है, क्योंकि ये हलवा वगैरह जितने आराम से पकें उतने ही अच्छा इनका टेस्ट आता है। यहाँ पे इसको अब मैं ढक दूंगी, तकरीबन 5 मिनट तक ढक दूंगी और इसको हल्की आंच पे ही पकने दूंगी। तो 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इसको रखे हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब ये देखिए इस कंडीशन में ये आ गई है, ये देखिए किस तरह से ये सारी मिक्स हो गई है बिल्कुल अंदर, और ये बिल्कुल दानेदार सी है सूजी, बिल्कुल हलवा बहुत ही आला बना है। ये देखिए अब हमने इस स्टेज पे इसके अंदर डाल देनी है ये किशमिश और बादाम पिस्ते और जो चारों मगज़ हैं वो भी डाल दूंगी इस स्टेज पे। और पिंच ऑफ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ये जरदा रंग डाल रही हूँ, इसको अब मिक्स कर लेते हैं। अभी इसको हमने 8 से 10 मिनट तक और भूनना है। जी तो हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, 8 से 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। बस अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और फिर इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ करने लगी हूँ, तो इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है, थोड़े से और हम इसके ऊपर नट्स डाल देंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा सूजी का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का ये तैयार हुआ है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अल्लाह हाफिज़।